आपके लिए क्या परिस्थिति रहेगी आपकी पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से, जो आप चुनाव की तैयारी में लगे हो 2014 से, हाँ जी, तो इसके बारे में क्या बताओगे सर? हमारी पार्टी का तो जो भी डिसीजन होगा हाईकमान का ही होगा जी। हाईकमान जैसे भी हुक्म होगा उसके सुनवाई, अकेले लड़ना चाहेंगे या किसी पार्टी के साथ समझौता होगा वो हाईकमान ही करेगी। तो आप समाज सेवी में भी काफ़ी काम कर रहे हैं लगातार, दिनचर्या आपकी अच्छी चल रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। समाज सेवा तो ऐसे है अभी मेन तो हमारा इलेक्शन का ही है जी, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लोगों के साथ तालमेल बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने पीछे जिला परिषद का इलेक्शन भी लड़ा था, उसमें मेरे को पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लगभग 6,000 के करीब मेरे को वोटें दी थी जी। तो मेरा उस टाइम तक कोई राजनीति भी ग्राउंड नहीं था जी, लोगों ने मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो अब आपकी तैयारी में लगे लगातार काम करते रहोगे फील्ड में जाके? बिल्कुल करता रहूँगा। कब से तैयारी कर रहे हो आप? मैं 2014 से कर रहा हूँ। तो आपके हाईकमान का आदेश रहेगा तो जो भी हाईकमान का आदेश होगा वही मान्य होगा। तो इसके अलावा क्या क्या सामाजिक कार्यकर्ता से वो काम कर रहे हो आप? मैं पार्टी का प्रदेश महासचिव भी हूँ जी, और इसके अलावा जो भी जैसे हाउसिंग बोर्ड हमारी इसकी वेलफेयर सोसाइटी बनी है, रजिस्टर बॉडी है, इसका प्रधान हूँ जी लगभग 2 साल से। और टाइम टू टाइम जो भी पार्टी आदेश करती है उसके मुताबिक धार्मिक कार्यों में लग रहते हैं जी। सर का नाम क्या है आपका और क्या पता? मेरा नाम जसपाल सिंह है जी। मैं कोऑपरेटिव बैंक से एज ए मैनेजर रिटायर हुआ हूँ 2014। आप प्रधान? गांव मेरा जंधेड़ी है, लेकिन मैं काफ़ी समय 25 साल से यही शाहबाद में सर। तो यहाँ सक्रिय हो रहे हो आप? हाँ विधानसभा के लिए बिल्कुल सक्रिय।